हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का है। हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। ये लेक्चर 3 का आपका 3 है, ठीक है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग गति की समीकरण पढ़ रहे थे, तो गति के समीकरण का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। तो गति का समीकरण का डेरिवेशन हम लोग 3 मेथड से कर सकते हैं। एक आपका गणितीय मेथड से, यानी गति की समीकरण, गति के समीकरण समीकरण जो होता है उसका प्रूफ करेंगे। समीकरण आपका क्या होता है, पहला वी बराबर यू प्लस ई टी, और दूसरा आपका होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा आपका होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए यस, और यह आपका टी वे से कहेंगे चलेंगे दूरी, विशेष से कहेंगे यस टी वे बराबर का होगा यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो जानते हैं इसको प्रूफ करने के लिए आपका 3 मेथड होता है। पहला होता है गणितीय मेथड, गणितीय विधि, दूसरा होता है आपका ग्राफी विधि, ग्राफीय विधि, और तीसरा जो होता है आपका कलन विधि, कलन विधि। तो आइए एक एक के बारे में हम लोग ये डेरिवेशन इसका किया जाए। तो पहला जो आपका गणितीय विधि से, तो गणितीय विधि गणितीय विधि से गति के प्रथम समीकरण को प्रूफ करेंगे। प्रूफ करना है किसको, फर्स्ट को, यानी आपका फर्स्ट है वी बराबर यू प्लस ए टी को गणितीय विधि से इसको प्रूफ किया जाएगा। तो मान ला रहा है कोई वस्तु है, कोई भी वस्तु है जो प्रारंभिक विधि यू से गतिमान है, ठीक है, वह यू वेग से गतिमान होते हुए टी सेकेंड में यस दूरी तय करता है, जिससे उसका त्वरण ए हो जाता है और उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। इस स्थित में लिखने के बाद अब ये अगले लाइन से लिखेंगे कामला आकर, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी, या ए बराबर लिख सकते हैं वी माइनस यू अपान टी। इसका इसमें क्या करेंगे तो ए टी बराबर हो जाएगा वी माइनस यू, लेफ्ट में आएगा जब, तो जब लेफ्ट में आएगा तो आपका ए टी धन यू इक्वल टू का वी, या वी बराबर यू प्लस एटी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गत का जो पहला समीकरण है वी बराबर यू प्लस एटी का प्रूफ हो गया। अब आइए गत के दूसरे समीकरण को देखा जाए, यस बराबर एटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का। तो इसको प्रूफ करने के लिए वही लिखेंगे एक प्रूफ सेकंड का है, यानी आपका यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। तो माना कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग यू से गतिमान है, स्मॉल टी सेकंड में वह वस्तु यह दूरी तय करने के बाद उसका अंतिम वेग भी हो जाता है, और इतना ही सेकंड में वह यस दूरी तय करता है, यस दूरी तय करता है। इस स्थित में, और इस स्थित में लिखने के बाद अब यह काम करेंगे। तो पहला काम क्या करें कि औसत वेग निकालें, औसत वेग, औसत वेग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यू प्लस वी प्रारंभिक और अंतिम वेग बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी दूरी बटे समय, ठीक है। तो अब लिखे हैं दूरी बराबर का आ जाएगा चाल अगुणे
समय, ठीक है। यह दूरी आपका यश है और यही चाल आपका औसत भी हो जाएगा, यानी यू प्लस वी अपान टू। और उसके बाद समय स्मार्ट टी माने हैं, तो यश बराबर अब देखिए यू प्लस भी का जो पहला गत का समीकरण वही रख रहे हैं इसकी जगह पर, तो भी बराबर होगा यू प्लस ए टी बाई टू इन टू टी। यश बराबर ये आपका यू धन यू टू यू होगा धन ए टी बाई टू इन टू टी। अब यश बराबर इसका गुणा कर दीजिए तो टू यू टी धन ए टी स्क्वायर बाई टू, या यश बराबर अब अलग अलग कर लीजिए इतना बट इतना उसी तरह इतना बट इतना, तो टू यू टी बाई टू होगा धन हाफ ए टी स्क्वायर, टू से टू एक बार में डिवाइड हो जाएगा, यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका घर का दूसरा समीकरण प्रूफ हो गया, यश बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आइए तीसरे के बारे में देखा जाए, अब तीसरे को प्रूफ करेंगे गलती भी से, ये जो डेरिवेशन हो रहा है गलती भी से हो रहा है। तो तीसरा मेथड या तीसरा सूत्र का प्रूफ हम करने जा रहे हैं, देखिएगा उसी तरह लिखा जाएगा, माना कोई वस्तु है यू वेग से गतिमान है, वह वस्तु यू वेग से गत करते हुए टी सेकेंड में स्मार्ट टी सेकेंड में वह अंतिम वेग भी प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति में वह यश दूरी तय करता है और यश दूरी तय करने वाला त्वरण ए हो जाता है। तो वहाँ काम लगाकर हम लिखेंगे, देखिएगा गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण से भी बराबर क्या होता है यू प्लस ए टी, दोनों तरफ वर्ग कर दें, वर्ग करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर अब देखिएगा यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस टू यू ए टी, ये धन वी को होल स्क्वायर प्रसार कर दीजिएगा, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस इसमें कामन ले रहा है टू ए कामन ले लेंगे, यहाँ देखिएगा क्या होगा वन बाई टू ए टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा प्लस यू टी, या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए, अब इसको इस तरह लिख दे रहा है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए। अब यह देखिए गत का तृतीय समीकरण है यस, तो इसके जवाब लिख सकते हैं यस, यही आपका गत का तृतीय समीकरण आपका सिद्ध हुआ, ठीक है। अब आइए यस टी में सेकेंड में चलेगी दूरी के लिए प्रूफ किया जाए, तो वही कंडीशन लिखेंगे, माना कि वस्त्र प्रारंभिक वेग यू से गतिमान है, इसमें टी सेकेंड में यह दूरी तय करने के बाद उसका त्वरण हो जाता है अंतिम वेग भी होता है। इस स्थिति में कामा देकर लिखेंगे टीवे सेकेंड में चली गई दूरी, यानी यस टीवे सेकेंड में चली गई दूरी बराबर होगा यस टी सेकेंड में चली गई दूरी माइनस यस टी माइनस वन सेकेंड में चली गई दूरी, ठीक है। अब यहाँ पर टी सेकेंड में चली गई दूरी आपका यह है, तो यस टी बराबर का लिखेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। माइनस टी माइनस वन सेकेंड में चली गई दूरी, तब यही जो टी है उसके जगह पर टी माइनस वन हो जाएगा, तो यू टी माइनस वन, ठीक है, अब प्लस हाफ ए टी माइनस वन का होल स्क्वायर, या यह हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यह पूरा कर दीजिए यू टी माइनस यू, ठीक है, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर से प्रसार करें हाफ ए, तो टी स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी। अब यह आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यह माइनस
यू टी माइनस यू और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गुणा कर देना इसमें, प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए इंटू टू टी। और कोष्टक तोड़िए, कोष्टक तोड़ेंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस यू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए और प्लस हाफ ए इंटू टू टी। कोष्टक बाहर माइनस अंदर चिन्ह बदल जाएगा, यू टी से यू टी, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर कर जाएगा, बच रहा है यू यू। अब प्लस देखिएगा यू प्लस हाफ ए टू टी और माइनस यहाँ हो जाएगा हाफ ए। अब यहाँ पर यू प्लस हाफ ए का मान यहाँ हो जाएगा टू टी माइनस वन, यानी यही आपका यश क्यूबे सेकेंड में चली गई दूरी का व्यंजक का सूत्र होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये गत के जो समीकरण है, इस गत के समीकरण को ग्राफिक रूप से प्रूव किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।